अच्छा जी, आप हमारे ही जन्म स्थान से हैं? जी सर, इलाहाबाद से। अब तो उसका नाम बदल गया है, प्रयागराज हो गया। जी सर। कहाँ रहती हैं आप प्रयागराज में? सर मेरे तहसील का नाम है मेजा, मेजा तहसील, मेजा गांव। हाँ जी बिल्कुल। सर आप आए हैं एक बार? आए हुए हैं मेजा। जी सर, रामनगर हमारे गांव में भी आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आए, लेकिन बहुत साल पहले, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। आए मतलब आपने एक ही झटके में बता दिया हमारी उम्र कितनी है। नहीं सर, जैसे जैसे जब बच्चे पैदा होते बैठा है आपके सामने, बोल दिया आपने। नहीं सर वो बात नहीं है। यार गड़बड़ हो गई। नहीं सर बात ये है कि जैसे हम लोग बड़े हुए, पिक्चर उच्चर देखना स्टार्ट किया, आपकी फिल्में और भी पिक्चरें देखना स्टार्ट किए, पापा लोग जैसे किससे कहानियों की तरह बताते हैं कि अमित जी आए थे, हम लोग उनसे हाथ, वो लोग भी नए नए जवान हो रहे थे, तो वो लोग बहुत खुश थे आपसे मिलके। तो वो किससे कहानियों की तरह हम लोग को बताते। अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट उषा यादव की टांग खिंचाई की। हमारे पास सिलाई मशीन है, अपना कपड़ा उपड़ा अपने से सिलते हैं पूरा, क्योंकि दर्जी वर्जी का मुझे नहीं, मतलब कि मन का नहीं होता, पैसा भी इतना दो और मन का भी ना रहे, तो वो थोड़ा कष्टदायक होता है। तो मर्जी तो वही होगी ना, जो दर्जी जो है। हाँ, वो आपकी ही मर्जी से तो बनाएगा। हाँ, वो ठीक है, लेकिन नहीं, किसी और की मर्जी थोड़ी ना बनाएगा आपका। वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगा, तो फिर हम अपना कपड़ा अपने से सिलना सीख गए। तो हमारे पास सिलाई मशीन है, वो टेबल वाली। समझ गया मैं, जानते होंगे सर आप, एकदम जानते हैं। अच्छा आप क्या समझती हैं, हमको मालूम नहीं है। आपके घर में तो नहीं होगा ना? कहीं नहीं होगा। तो सर, तो जब हमें न जाने आप लोगों के मन में क्या धारणा है हम लोगों के प्रति। नहीं सर ऐसा नहीं, लेकिन सर सच तो यही है कि आपके घर में सिलाई मशीन नहीं है। अच्छा देखिए, ऐसा है नहीं कि हम कोट पैंट पहने इसलिए हमको पता ही नहीं कि सिलाई मशीन क्या नहीं, होती है। पता होगा, तो जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो हमको पहना देते हैं, ये हम थोड़ी ना बनाए हैं। आप भी इलाहाबाद के हैं, हम भी इलाहाबाद। नहीं वो तो सही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी जो चीज है वो तीन चार बार बोलते रहे। सर यहाँ हड़बड़ी में भी कुछ गड़बड़ी हो रही है। देखिए फिर भड़ी। अच्छा ये रुपया उपिया का क्या कीजिए, कीजिएगा पता नहीं क्या करेंगे। आपने कहा था कि हम घूमना उमना चाहते हैं। अच्छा सही मैंने बोलने दीजिए इनको। कहाँ जाएंगे आप? सर बहुत ज्यादा कहीं नहीं, बस अपने यूपी के अगल बगल जो स्टेट है। ठीक है ठीक है। भाई साहब क्यों आप परेशान कर रहे हैं? अरे यार हमारे शहर के हैं, आपको मालूम है। वही कंटेस्टेंट उषा यादव ने कहा कि आप तो अपने ही लगते हो। सर आप तो अपने ही लगते हो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा मुझे। एक बार मैंने सोचा कि आप जब आओगे तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, सब मुझे इतना बोल के वो कर दिए थे, लेकिन जब आप आए तो ऐसा लगा ही नहीं कि आप, मतलब बुरा मत मानिएगा सर, कि बहुत बड़े वो हैं, लगा जैसे अपने ही तो हैं, वैसे ही तो दिखते हैं। है ना एक अमेजिंग फनी कॉन्वर्सेशन। वेल कंटेस्टेंट उषा यादव विल बी सीन ऑन द हॉट सीट टुनाइट एट 9 PM। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ फॉर मोर अपडेट्स एंड दिलचस्प न्यूज़।